क्रिकेट कहने को तो बस एक खेल है, पर इंडिया में क्रिकेट बस एक खेल नहीं है बल्कि खेल से कहीं ज्यादा है। पर कभी कभी ऐसा टाइम भी आया है जब इस खेल में चीटिंग की सारी हदें पार कर दी गई। आज मैं आपको इस खेल में हुई चार ऐसी चीटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। नंबर वन, डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के एक महान फास्ट बॉलर थे। वैसे तो वो एक बॉलर थे, पर एक दिन उन्होंने बैटिंग में कुछ नया करने की सोची, जिसके चलते जब एक बार वो बैटिंग करने के लिए आए तो उनके हाथ में एल्यूमिनियम का बना हुआ बैट था। डेनिस ने सोचा था कि एल्यूमिनियम के बैट से रन बनाना काफी आसान होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। पर जल्दी ही फील्ड एम्पायर ने उनकी ये चालाकी पकड़ ली और उनसे बैट चेंज करने के लिए बोल दिया, जिस पर डेनिस लिली काफी गुस्सा हो गए थे। नंबर टू, मुरलीधरन श्रीलंका के एक महान बॉलर थे, जिनकी बॉलिंग के सामने अच्छे अच्छे बैट्समैन बैटिंग करते हुए डरते थे। एक बार जब श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच चल रहा था, तब मुरलीधरन की डाली गई एक बॉल को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया, जिस पर श्रीलंका के कैप्टन अर्जुना रानातुंगा को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी पूरी टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम में चले गए और आगे का मैच खेलने से मना कर दिया। कहा जाता है कि मुरलीधरन इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग ना कर पाए, इसलिए अंपायर ने उनकी बॉलिंग एक्शन को गलत बताते हुए उनकी बॉल को नो बॉल करार दे दिया था। नंबर थ्री, 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच चल रहा था। मैच की आखिरी बॉल थी और न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए एक सिक्स की जरूरत थी। अपनी जीत पक्का करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्रेग चैपल ने अपने बॉलर को अंडर आर्म बॉल डालने के लिए बोला, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि इस बॉल पर दुनिया का कोई भी बैट्समैन सिक्स मार ही नहीं सकता, और हुआ भी ऐसा ही। और चैपल की इस चीटिंग की वजह से न्यूजीलैंड मैच हार गया। इसके बाद ICC ने एक नया रूल बनाया जिसमें इस तरह की किसी भी बॉल को नो बॉल माना जाएगा। नंबर फोर, 2010 में इंग्लैंड में चल रही ट्राई सीरीज में श्रीलंका और इंडिया के बीच वनडे मैच चल रहा था। इंडिया को मैच जीतने के लिए एक रन की जरूरत थी और वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर बैटिंग कर रहे थे। अब श्रीलंका के बॉलर रणदीव ने सोचा कि अगर सहवाग ने एक रन बना लिया तो इंडिया तो मैच जीतेगा ही, सहवाग की सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। रणदीव ने सहवाग की सेंचुरी रोकने के लिए एक नो बॉल डाल दी, जिस पर सहवाग ने सिक्स मार दिया। सहवाग को लगा कि उनकी सेंचुरी पूरी हो गई, पर फील्ड एम्पायर ने नो बॉल का इशारा करते हुए बताया कि एक्स्ट्रा रन पहले काउंट होगा, जिसकी वजह से इंडिया सहवाग के सिक्स मारने से पहले ही मैच जीत चुका है, इसलिए उनकी सेंचुरी नहीं मानी जाएगी। जिसके बाद सहवाग को काफी गुस्सा आया और बाद में रणदीव को अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।